गुड मॉर्निंग माय बायोलॉजी फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन वीडियो क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम नीटम में तने की आंतरिक संरचना के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने नीटम को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने उसका क्लासिफिकेशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके कनेक्टिंग लिंक होने की विशेषताओं को और उसके स्पोरोफाइट को और साथ ही उसकी जो जड़ थी उसकी आंतरिक संरचना की स्टडी की थी। आज हम नीटम के तने में आंतरिक संरचना को स्टडी करेंगे। अगर नीटम के तने की आंतरिक संरचना को हम देखें तो आंतरिक संरचना में यह इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। वैसे अगर किसी दूसरी स्पीसीज के तने को अगर टीएस काटेंगे हम तो थोड़ा डिफरेंट प्रकार का, मतलब उसका कोटेक्स वाला रीजन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब जो तने की जो संरचना है इसमें कौन कौन से पोर्शन दिखाई देते हैं, तो वही पोर्शन दिखाई देंगे जो कि अदर जिम्नोस्पर्म के तने में दिखाई दे रहे थे। एक तो एपिडर्मिस, एक कोटेक्स और एक इसका स्टील रीजन या इसका जो संवहन क्षेत्र है वह हमें दिखाई देगा। परंतु यहाँ पर जो है कोर्टेक्स है इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्योंकि कोर्टेक्स यहाँ पर अलग अलग कोशिकाओं के परतों से मिलकर बना हुआ है। तो अलग अलग पोर्शन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम इसकी एपिडर्मिस को। तो अगर नीटम में तने की एपिडर्मिस की हम बात करें तो एपिडर्मिस कैसी है, एक स्तरीय परत है जो कि पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। अब जो ये एपिडर्मिस है इसके ऊपर क्या पाया जाता है, ये क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है और इसी एपिडर्मिस पर एपिडर्मिस में दसे हुए रंध्र भी पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें संतान स्टोमेटा कहा जाता है। तो पहले हमने बात की एपिडर्मिस की, एक स्तरीय परत है, पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जा रहा है इसके ऊपर और एपिडर्मिस में ही क्या है, संकर स्टोमेटा या दसे हुए रंध्र उपस्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कोर्टेक्स वाले क्षेत्र की। तो जो एपिडर्मिस से लेकर या एपिडर्मिस के बाद का पोर्शन और स्टील रीजन तक जो फैला हुआ जो भाग होता है, एपिडर्मिस से लेकर स्टील रीजन तक जो फैला हुआ जो समस्त भाग होता है तने का वो क्या कहलाता है, कोर्टेक्स कहलाता है। परंतु जो नीटम का तना है उस पर कोर्टेक्स तीन भागों में विभेदित होता है, मतलब कोर्टेक्स में तीन स्तर पाए जाते हैं, एक तो क्लोरेन्काइमेटस रीजन, दूसरा पैरेन्काइमेटस रीजन और तीसरा स्क्लेरेन्काइमेटस रीजन। अब पहले वाले रीजन की हम बात करते हैं क्लोरेन्काइमेटस रीजन। जो क्लोरेन्काइमेटस रीजन है इसमें पतली भित्ति युक्त अंडाकार या गोलाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं और जो यहाँ क्षेत्र है यहाँ 3 से 7 स्तरीय क्षेत्र होता है और इनकी कुछ कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट्स या हरित लवक पाए जाते हैं, इसके कारण ये थोड़ा बहुत प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती है। तो क्लोरेन्काइमेटस रीजन की हमने बात की, इसमें पतले भित्ति युक्त गोलाकार या अंडाकार कोशिकाएं होती है और 3 से 7 स्तरीय यहाँ क्षेत्र होता है और इसकी कुछ कोशिकाओं में या इसकी कोशिकाओं में हरित लवक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती है। इसके बाद वाला जो सेकंड क्षेत्र होता है कोर्टेक्स का वह होता है पैरेन्काइमेटस क्षेत्र। अब जो पैरेन्काइमेटस जो क्षेत्र है इसमें पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं और यह क्षेत्र में लगभग 5 से 7 स्तरीय ऐसा ही क्षेत्र है। क्या पाई जाएगी पैरेन्काइमेटस रीजन में, पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं पाई जाएगी और कुछ कोशिकाएं यहाँ पर फाइबर सेल्स के रूप में कार्य करेंगे, मतलब कुछ फाइबर सेल्स भी यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद का जो क्षेत्र होता है वो होता है द्रढ़ोपिकी क्षेत्र या स्क्लेरेन्काइमेटस रीजन। अब जो ये क्षेत्र है द्रढ़ोपिकी मतलब मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होगा,
उसी कारण इसे क्या काम है, इसे कहते हैं टैमेटस रीजन। मतलब इस वाले क्षेत्र में मोटी मिट्टी युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जो ये वाला जो क्षेत्र होता है ये होता है 2 से 5 स्तरीय क्षेत्र होता है। और इस क्षेत्र की कुछ कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, स्केलेरिड भी पाई जाती है, मतलब ताराकार आकृति की कोशिकाएं भी पाई जाती है जिन्हें स्केलेरिड कहा जाता है, और यह भी दृढ़ोत की कोशिकाएं होती है। तो ये कि हमने इसके कॉर्टेक्स वाले रीजन की बात, जो कि 3 भागों में विभाजित है, एक तो प्लेरेंटाइमेटस रीजन, एक पेरेंटाइमेटस और एक स्केलेरेंटाइमेटस रीजन। अब इसके बाद कौन सा वाला पोर्शन आता है, इसके बाद आता है स्किल रीजन वाला पोर्शन। परंतु इससे पहले हम 2 परतों को देखते हैं, एक तो एंडोडर्मिस और एक है पेरिसाइकल। अब जो ये एंडोडर्मिस होती है ये कॉर्टेक्स की सबसे अंतिम परत होती है, परंतु नीतम के तने में ये कैसी होती है, अविभेदित या अस्पष्ट होती है। मतलब हम पता नहीं लगा सकते कि एंडोडर्मिस कौन सी जगह पर स्थित है। उसी प्रकार जो पेरिसाइकल होती है वह कहां पर होती है, इसके समान क्षेत्र या इसके जो रंभ क्षेत्र है उसके चारों पेरिसाइकल होती है, परंतु नीतम के तने में यह भी कैसी होगी, अस्पष्ट होगी। एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल नीतम के तने में कैसी होती है, अस्पष्ट होती है, मतलब ये दिखाई नहीं देती या हम इनका पता नहीं लगा सकते कि ये कौन सी जगह उपस्थित है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्टील रीजन की, किसकी, स्टील रीजन की या इसके रंभ क्षेत्र की या इसके वैस्कुलर रीजन की या इसके संवहन क्षेत्र की। तो अगर संवहन क्षेत्र की हम बात करें तो संवहन क्षेत्र में लगभग 20 से 24 की संख्या में, कितने, लगभग 20 से 24 की संख्या में वैस्कुलर बंडल एक वले में उपस्थित होते हैं। कितने वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, 20 से 24 की संख्या में वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, और वह एक वले में या एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं, और प्रत्येक वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा। और जाइलम में कौन कौन से एलिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, जाइलम में जाइलम वेसल्स मतलब जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिनिकाएं, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। उसी प्रकार फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, मृदुतक कोशिकाएं या फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर समय देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एक ही वैस्कुलर बंडल में उपस्थित है, इस प्रकार की व्यवस्था को कहेंगे हम संयुक्त प्रकार की व्यवस्था। और फ्लोएम जाइलम के पार्श्व सतह पर है या पार्श्वीय भाग पर है, इसे क्या कहेंगे हम, सम पार्श्विक या बहिर्फ्लोएमी कहेंगे, इतने कहेंगे सम पार्श्विक या बहिर्फ्लोएमी। और जाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच में क्या उपस्थित होती है, कैम्बियम उपस्थित होती है, इसे क्या कहेंगे, ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। और तने में हमेशा कौन से वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, एंडार्क टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, जो कि इसमें प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता है और मेटाजाइलम कहां पे और होता है, परिधि की ओर होता है। मतलब यहां पर तो ये प्रोटोजाइलम वाला क्षेत्र है, यहां पर कौन सा होगा, मेटाजाइलम वाला क्षेत्र होगा। तो कैसे होंगे ये एंडार्क टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, तो वैस्कुलर बंडल संयुक्त संपार्श्विक या बहिर्फ्लोएमी ओपन तथा एंडार्क प्रकार के होते है। और तने के केंद्र में कुछ मात्रा में पिक पाई जाती है जो कि पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो यह थी तने की आंतरिक संरचना। अब इसके बाद हम बात करेंगे तने में द्वितीयक वृद्धि। तो अगर हम तने में द्वितीयक वृद्धि की बात करें, इसकी अलग अलग जातियों में 2 प्रकार की द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है,
जैसे आरोही जातियों की हम बात करें तो जो आरोही जातियां हैं या जो इसकी क्लाइंबिंग नेचर वाली जो जातियां हैं उनमें असंगत द्वितीयक वृद्धि मिलती है, जबकि जो इसकी वृक्षीय प्रकृति की जातियां हैं उनमें सामान्य या नॉर्मल जो सेकेंडरी ग्रोथ जो कि हमने ऑल द जिम्नोस्पर्म पढ़ी है या सभी जिम्नोस्पर्म में पढ़ी है उस टाइप की देखने को मिलेगी। तो द्वितीयक वृद्धि के दौरान क्या होगा, इन वेस्कुलर बंडल के मध्य जो कैम्बियम है इसे कौन सी कैम्बियम कहते हैं हम, इंट्रा पेसिकुलर कैम्बियम या इंट्रा पेसिकुलर कैम्बियम। ये कैम्बियम इस पर से रेखीय रूप से क्या करती है, वृद्धि करती है, इसी इधर की कैम्बियम इस पर रूप से वृद्धि करती है। इसके कारण दो परस्पर वेस्कुलर बंडल के मध्य अनादर कैम्बियम बन जाएगी, इसे क्या कहेंगे हम, इंटर वेसिकुलर या वेसिकुलर कैम्बियम। अब दोनों ही प्रकार की कैम्बियम मिलकर एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग बना लेती है और एक कैम्बियम रिंग परिधि की ओर तो विभाजित होकर क्या करेगी, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, केंद्रीय की ओर विभाजित होकर क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। इस प्रकार सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम के बनने से जो प्राथमिक फ्लोएम है और सेकेंडरी प्राथमिक फ्लोएम है और जो प्राथमिक जाइलम है ये क्रस अवस्था में आ जाते हैं। क्रस अवस्था में कब आएंगे, लगभग 2 या 3 साल बाद ही आएंगे, क्योंकि सवन चक्र में द्वितीयक वृद्धि से क्या होता है, तने की मोटाई में वृद्धि हो रही है और तने की मोटाई में वृद्धि के कारण जो प्राथमिक फ्लोएम है प्राथमिक जाइलम है ये संकुचित अवस्था में या क्रस हो जाते हैं और 3 से 4 साल बाद तो इसका जो कॉर्टेक्स वाला क्षेत्र है उसमें भी कुछ न कुछ मात्रा में यहाँ पर दरारें आ जाती है, इसके कारण कॉर्टेक्स वाले क्षेत्र में भी क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। और कॉर्टेक्स वाले क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि के दौरान क्या होगा, कॉर्टेक्स की ही कुछ कोशिकाएं इसकी जो एपिडर्मिस वाला जो क्षेत्र है इसकी ही सॉरी एपिडर्मिस वाला क्षेत्र है इसकी कोशिकाएं कॉर्टिक एम्बियम के रूप में कार्य करती है या कॉर्टिक एम्बियम के रूप में विभाजित हो जाती है और वो बाहर की ओर क्या बनाएगी, कॉर्ट बनाएगी, अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करेगी। इस प्रकार इनमें द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। उसी प्रकार अगर आरोही जातियों की बात करें तो उनमें असंगत द्वितीयक वृद्धि मतलब एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। उनमें क्या होता है, जो कॉर्टेक्स की ही जो सबसे आंतरिक परत है वह एक कैम्बियम बनाती है और वह जो कैम्बियम बनेगी कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से वह एक नॉर्मल कैम्बियम की भांति कार्य करेगी और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम एंट्री की ओर या अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाएगी। फिर वह कुछ समय पश्चात निष्क्रिय हो जाती है तो वापस से उसके बाहर की ओर द्वितीय कैम्बियम बनती है जो कि बाहर की ओर सेकेंडरी जाइलम सॉरी बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाती है। फिर वह कुछ समय पश्चात निष्क्रिय हो जाएगी तो उसके बाहर की ओर की कॉर्टेक्स कोशिकाएं वापस से कैम्बियम का निर्माण करेगी। इस प्रकार तने में या जो करोड़ तने की जो संरचना होती है उसमें अनेक कैम्बियम बने या अनेक सामान क्षेत्र के बले हमें दिखाई देते हैं तो उसको हम डायग्रामेटिक रूप से या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके समझेंगे। तो पहले उसका हम डायग्राम बनाते हैं फिर उसमें असंगत द्वितीयक वृद्धि को समझते हैं। नीटम में अभी अभी हमने द्वितीयक वृद्धि की बात की, वहां पर हमने जो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ थी उसको देखा, उस दौरान क्या होता है वेस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम थी, नीटम में कितने वेस्कुलर बंडल थे, 20 से 24 की संख्या में वेस्कुलर बंडल थे, उनके अंदर जो ये कैम्बियम की जाइलम और फ्लोएम के मध्य से क्या कहते हैं इंट्रा वेस्कुलर कैम्बियम। ये कैम्बियम जब अन्य रूप से विभाजित होगी या इस पर से रूप से विभाजित होगी तो यहाँ पर एक दूसरा वेस्कुलर बंडल होगा, इसकी भी कैम्बियम अन्य रूप से या इस पर से रूप से विभाजित होगी तो दोनों के मध्य अनादर कैम्बियम का निर्माण हो जाएगा। इस कैम्बियम को क्या कहेंगे, इंट्रा वेसिकुलर कैम्बियम। अब इंटर और इंट्रा दोनों ही आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग का निर्माण करती है और वह कंप्लीट कैम्बियम रिंग परिधि की ओर तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी और केंद्र की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाएगी जिसके कारण तने की मोटाई में द्वितीयक वृद्धि संपन्न होगी। और तने की मोटाई में द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप जो कॉर्टेक्स वाला क्षेत्र है उस पर 3 या 4 सालों बाद दबाव पड़ेगा जिसके कारण कॉर्टेक्स वाला जो क्षेत्र है उसकी कुछ कोशिकाएं फट जाएगी या कुछ कोशिकाएं सेपरेट हो जाएगी तो उन कोशिकाओं की पूर्ति करने के लिए एक्स्ट्रा स्कुलर रीजन या सामान्य क्षेत्र के
बार भी कितने प्रति संपन्न होती है। उस दौरान कॉर्टेक्स की ही कोशिकाएं या एपिडर्मिस की कोशिकाएं कोर्टिकोकैम्बियम बनाती है और वह कोर्टिकोकैम्बियम बाहर की ओर और अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है। और यहाँ पर सावन क्षेत्र में जैसे ही द्वितीयक उत्तक बनेंगे मतलब सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे तो जो प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक जो फ्लोएम है वो अर्थात अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो नॉर्मल जो जातियां थी जैसे नीटम निमोन उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मल टाइप की होती है, परंतु अगर नीटम की आरोही जातियों की बात करें तो उनमें कौन सी द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अभी अभी मैंने बताया असंगत द्वितीयक वृद्धि या एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ उनमें देखने को मिलती है। अब जो ये एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये क्या होती है, तो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है अगर द्वितीयक वृद्धि नॉर्मल प्रकार से नहीं हो रही है मतलब कहीं पर भी कैम्बियम बन चुकी है मतलब कॉर्टेक्स की कोशिकाओं ने ही कैम्बियम बना दी या किसी अन्य कोशिकाओं ने ही कैम्बियम बना दी, तो उसके द्वारा जो मतलब अनवांटेड जगह जहां पर सेकेंडरी उत्तक नहीं बनने चाहिए थे वहां पर भी अगर सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम इनका निर्माण हो रहा है उस प्रकार की जो द्वितीयक वृद्धि होगी वो कैसी होगी, असंगत द्वितीयक वृद्धि होगी। और जो ये असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है ये नीटम की आरोही जातियों जैसे नीटम लुला और नीटम अफ्रीकन इनमें देखने को मिलती है। तो इनमें क्या होता है जैसे ये कोई नीटम लुला का तना है तो नीटम लुला के तने में जो यहाँ पर जो कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं तो कॉर्टेक्स की जो सबसे आंतरिक परत की कोशिकाएं हैं वह विभेदित होकर किसका निर्माण करती है, यहाँ पर एक कैम्बियम का निर्माण करती है। और यह कैम्बियम जो कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के द्वारा बनाई गई है यह नॉर्मल कैम्बियम की भांति विभाजित होकर या नॉर्मल कैम्बियम की भांति क्या बनाएगी केंद्र की ओर तो यहाँ पर तो क्या बनाएगी सेकेंडरी जाइलम बनाएगी और परिधि की ओर यहाँ पर क्या बनाएगी सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। इस प्रकार पूरी ही रिंग में एक तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएगी, परंतु जो ये कैम्बियम बनी है कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से ये कुछ समय पश्चात निष्क्रिय हो जाती है और निष्क्रिय होने के पश्चात ये दोबारा सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनेंगे। तो फिर जब भी वापस से सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो कॉर्टेक्स की इसके बाहर की ओर की जो कॉर्टेक्स की कोशिकाएं हैं यहाँ की जो कॉर्टेक्स की कोशिकाएं हैं ये वापस से क्या बनाएगी एक दूसरा कैम्बियम बनाएगी और वो दूसरा कैम्बियम भी क्या करेगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा जिसे यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन गया। उसी प्रकार ये कैम्बियम भी कुछ समय तक ही सक्रिय रहेगी वापस से निष्क्रिय हो जाएगी तो इसके बाहर की जो कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं वह इसके बाहर एक और कैम्बियम बना देगी जिसके द्वारा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार अगर हम नीटम उलाके या नीटम जो अफ्रीकेनम है उसके अगर प्रोट तरह की आंतरिक संरचना को देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है इस प्रकार की दिखाई देती है उसमें वैस्कुलर बंडल के अनेक बले दिखाई देते हैं जैसे फर्स्ट रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल या सेकंड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल उसी प्रकार थर्ड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल दिखाई देता है इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है। और जो यहाँ पर जो ये कैम्बियम बन रही है ये किस क्रम में बन रही है यह शुद्ध केंद्रीय क्रम में बन रही है। अभूत केंद्रीय का मतलब क्या होता है जैसे यह कोई पॉइंट है अगर इसके चारों ओर ऐसे कैम्बियम बनती चली जाए इसे तो क्या कहेंगे सकेंद्री कहेंगे, परंतु जो यहाँ पर जो ये कैम्बियम के जो एक गोले बन रहे हैं यह वृत्ताकार नहीं है जैसे भी हो सकता है थोड़ा इस प्रकार का भी हो सकता है कैसे भी हो सकते हैं कोई मतलब जो कैम्बियम बने हैं ये उत्त केंद्रीय क्रम में बनते हैं और जो ये कैम्बियम बनती है भीतर की ओर भीतर से बाहर की ओर ये सक्सेसिव ऑर्डर या क्रमागत रूप से बनती है मतलब जो बाहर भीतर से बाहर की ओर जो ये कैम्बियम जो बले बन रही है ये किस क्रम में बन रही है क्रमागत क्रम में एक के बाद एक सक्सेसिव ऑर्डर में बन रही है। तो इस प्रकार इनमें द्वितीयक वृद्धि संपन्न होती है। और नीटम लुला या नीटम निमोन में कॉर्टेक्स वाले जो कॉर्टेक्स का जो बाहरी क्षेत्र है
इसमें भी द्वितीयक वृद्धि संपन्न होती है और इस दौरान यहाँ पर भी गर्भ कैंबियम का निर्माण किया जाएगा। परंतु गर्भ कैंबियम की जो मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी है या जो विभाज्योतक जो सक्रियता है वह इतनी परफेक्ट नहीं होती, जिसके कारण जो यहाँ पर जो गर्भ है इसमें कुछ मात्रा में कुछ जगह तो पतली युक्त कोशिकाएं आ जाएगी, कुछ जगह पर मोटी दिखती युक्त या जो स्क्लेरल काइमेटस कोशिका है वह आ जाएगी। तो इस प्रकार इनका सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नीटम में पर्ण की आंतरिक संरचना। तो पहले हम उसका डायग्राम बनाते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी संरचनाएं पाई जा रही है। अगर हम पर्ण की आंतरिक संरचना की बात करें तो नीटम की जो पर्ण होती है उसकी जब पीएस काटते हैं तो इस प्रकार की संरचना में वह हमें दिखाई देती है। अब इसमें कौन कौन से पोर्शन होते हैं, तो पर्ण में कौन कौन से होंगे, तो एपिडर्मिस होगा, एक उसका मेसोफिल वाला क्षेत्र होगा और एक उसका वेस्कुलर बंडल या इसका संवहन जो क्षेत्र होता है वह यहाँ पर दिखाई देगा। तो पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। तो जो एपिडर्मिस होती है वह पर्ण की ऊपरी तथा निचली सतह दोनों पर ही पाई जाती है। ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली एपिडर्मिस को क्या कहेंगे, अपर एपिडर्मिस, वैसे ही निचली सतह पर पाई जाने वाली एपिडर्मिस को लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। अब जो ऊपरी एपिडर्मिस होती है इसके ऊपर क्या पाया जाता है, क्यूटी तल का आवरण पाया जाता है, जबकि जो निचली एपिडर्मिस होती है उस पर क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो ये थी एपिडर्मिस। कैसी है, एक स्तरीय परत है, पर्ण के ऊपरी तथा निचली दोनों सतह पर पाई जाती है। ऊपरी एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है जबकि जो निचली एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम मेसोफिल क्षेत्र की। अब जो मेसोफिल क्षेत्र होता है वह नीटम की पर्ण में दो रूपों में पाया जाता है। एक तो जो इसका जो संवहन क्षेत्र है उसके ऊपर तथा नीचे जो मेसोफिल क्षेत्र है उसमें केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी, मतलब वह विभेदित नहीं होता, जबकि संवहन क्षेत्र के इधर वाला और संवहन क्षेत्र के इधर वाला इस दोनों ओर का जो मेसोफिल क्षेत्र है वह दो भागों में विभेदित होता है। जो इसका ऊपरी भाग होता है वह होता है पेडिसेट पेरेन्काइमा और निचला जो भाग होता है वह होता है स्पंजी पेरेन्काइमा, मतलब थंब ऊतक और स्पंज ऊतक में बटा हुआ होता है। दोबारा से देखना, जो मेसोफिल क्षेत्र होता है वह दो रूपों में पाया जाता है। एक रूप तो कौन सा है, संवहन क्षेत्र के ऊपर और नीचे वाला, इस वाले क्षेत्र में मेसोफिल में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं हमें देखने को मिलेगी, मतलब मेसोफिल क्षेत्र विभेदित नहीं होता, जबकि संवहन क्षेत्र के इधर की ओर और उधर की ओर मेसोफिल क्षेत्र दो भागों में विभेदित होता है। पहला भाग है पेडिसेट पेरेन्काइमा या थंब ऊतक, दूसरा भाग है स्पंजी पेरेन्काइमा या स्पंज ऊतक। अब जो ये थंब ऊतक होता है यह ऊपरी एपिडर्मिस की ओर ही पाया जाता है और केवल या तो एक स्तर के रूप में या दो स्तर के रूप में पाया जाता है। और जो ये पेडिसेट पेरेन्काइमा है इसकी कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं, इसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। उसके बाद बात करते हैं हम स्पंजी टिश्यू या स्पंजी पेरेन्काइमा। तो जो स्पंजी पेरेन्काइमा होता है इसमें गोलाकार या बहुभुजीय कोशिकाएं पाई जाती हैं और इसकी कोशिकाएं स्टार्च का या ग्लूकोज का संग्रहण करने का कार्य करती है और इनके कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशिकीय अवकाश भी देखने को मिलेंगे और इसी क्षेत्र में कुछ न कुछ तारा आकृति की स्क्लेरेट या तारा आकृति की कोशिकाएं भी पाई जाती है जो कि मोटी गति युक्त होती है और कुछ लेटेक्स जो नलिकाएं हैं वह भी हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं हम इसके संवहन क्षेत्र की। तो जो नीटम की जो पर्ण होती है उसमें जो संवहन क्षेत्र होता है वह एक आर्च के रूप में पाया जाता है। अब
आर्च क्या होती है, आर्च का मतलब होता है ऐसी चंद्रमा के या जो आधा चंद्रमा होता है उसके समान संरचना, उसे क्या कहा जाता है, आर्च कहा जाता है, मतलब ऐसी संरचना के रूप में पाया जाता है। वैस्कुलर जो बंडल है उनके चारों ओर एक बंडल सी पाई जाएगी जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल उपस्थित होंगे। और वैस्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम और प्रोपेलम दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो वैस्कुलर बंडल किस प्रकार के हुए, संयुक्त प्रकार के हुए। और इनमें कैम्बियम एब्सेंट होती है, कैम्बियम एब्सेंट होने के कारण ये क्लोज प्रकार के वैस्कुलर बंडल होते हैं। और इनमें फ्लोएम परिधि की जो मतलब इनमें जाइलम होगा वह हमेशा ही ऊपरी एपिडर्मिस की ओर होगा, जबकि जो फ्लोएम होगा वह निचली एपिडर्मिस की ओर होगा। और यहाँ पर सम पार्श्विक टाइप के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो ये थी पंड की आंतरिक संरचना। तो पंड की आंतरिक संरचना में एक एपिडर्मिस है जबकि ऊपरी और निचली एपिडर्मिस होती है। ऊपरी एपिडर्मिस पर क्यूटिकल का आवरण और निचली एपिडर्मिस पर स्ट्रोमेटा। उसके बाद मेसोफिल वाला क्षेत्र जो दो रूपों में है, एक तो श्रवण क्षेत्र के ऊपर और नीचे जो कि अविभेदित है, मतलब बटा हुआ नहीं है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं, जबकि श्रवण क्षेत्र के दोनों ओर जो मेसोफिल है वो दो भागों में बटा हुआ है। ऊपरी भाग में पेरिसेंट टिश्यू है जो कि एक या दो स्तर के रूप में पाया जा रहा है और इसमें क्लोरो फिल उपस्थित होता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण का कारण करती है। इसके बाद इसके नीचे की ओर स्पॉन्जी टिश्यू या तंबू ऊतक उपस्थित होता है जिसमें गोलाकार या बहुभुजीय कोशिकाएं होती है और ये कोशिकाएं ग्लूकोज का या स्टार्च का संग्रहण करने का कार्य करती है। और इस स्पॉन्जी टिश्यू वाले क्षेत्र में ही कुछ तारा आकृतिक द्रवणों तक कोशिकाएं और कुछ लेटेक्स जो नलिकाएं हैं वो हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद उसके श्रवण क्षेत्र की बात करते हैं तो श्रवण क्षेत्र एक आर्च के रूप में या आधे चंद्रमा के समान आकृति के रूप में पाया जाता है जिनमें एक बंडल स्थित होती है और उसके अंदर वैस्कुलर बंडल पड़े हुए रहते हैं। और वैस्कुलर बंडल यहाँ पर 7 से 8 की संख्या में हो सकते हैं और इनमें वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पाए जाते हैं, संयुक्त प्रकार के होंगे और सम्पार्श्विक प्रकार के होंगे और कैम्बियम इनमें एब्सेंट होती है, इस कारण इन्हें क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल बोला जाता है। और इन वैस्कुलर बंडल में खास बात यह है कि जो जाइलम होगा वह हमेशा ही ऊपरी एपिडर्मिस की ओर उपस्थित होता है। तो यह थी पंड की आंतरिक संरचना। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में तने की आंतरिक संरचना, तने में द्वितीयक वृद्धि वह भी नॉर्मल टाइप की और असंगत प्रकार की या एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ और साथ ही पंड की आंतरिक संरचना की भी स्टडी कर ली है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।